पिछले 3 वर्ष की तुलना में पेयजल व्यवस्था में हुआ काफी सुधार। शहर विधायक व महापौर की सतत निगरानी से करहेडे और पुलगांव सहित अनेक क्षेत्रों में कई वर्षों बाद घर तक पहुंचाया गया पानी। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था अमृत मिशन के कार्य पूर्ण होने के साथ ही जल्द ही शहर पेयजल के मामलों में टैंकर मुक्त का अभियान लिए दुर्ग जल विभाग प्रभारी संजय कोहले ने बताया कि वर्तमान में 6 पॉइंट पर टैंकर से पेयजल की सप्लाई हो रही है। वहीं कुछ दिनों में बंद कर दिया जाएगा और अमृत मिशन से जल आपूर्ति उन क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी। सन 2020 में शहर के लगभग 61 पॉइंट पर पेयजल की किल्लतों को टैंकरों के माध्यम से दूर किया जाता रहा है। प्रतिदिन लगभग 61 ट्रिप टैंकरों के माध्यम से पेयजल की पूर्ति की जाती रही है, अब उन स्थितियों से उबर चुकी है और पेयजल की सप्लाई निगम क्षेत्र में जारी है। वहीं शहर विधायक अरुण वोरा व दुर्ग महापौर की सतत मॉनिटरिंग के चलते अमृत मिशन योजना के तहत सभी 60 वार्डों में पाइपलाइन का विस्तार लगभग हो चुका है, जिससे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। महापौर धीरज बाकलीवाल और नगर निगम के आयुक्त हरीश मंडावी के दिशा निर्देश में निगम के जल कार्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी विभागों के अधिकारी भी पेयजल की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ कुछ स्थानों पर पेयजल की समस्या आती भी है, वह त्वरित निराकरण की दिशा में पहल की जा रही है। नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में अमृत मिशन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, अब जल्द ही पेयजल व्यवस्था टैंकर मुक्त होकर अमृत मिशन के पाइपलाइन से मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में टैंकर से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। करहेडी और पुलगांव और अनेक क्षेत्रों में कई वर्षों बाद पानी घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें वहां के नागरिकों में काफी हर्ष व्याप्त है। इस संबंध में न्यूज टीम को जल प्रभारी संजय कोहले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज शहर में हमने पूरे शहर में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर शहर में पूरी तरह से पानी दिया जा रहा है, पूरे नगर जल विभाग के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और जलघर के अधिकारी कर्मचारी लगातार मॉनिटरिंग करके पूरे पानी शहर में पानी की सप्लाई की जा रही है। रही जैसा कि आप हमने पुलगांव पानी टंकी और करहेडी पानी टंकी जो 20 वर्षों से उस वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, उन्होंने कभी नल का पानी नहीं पिया था, आज वहाँ पर हमने पानी दिया और उनके उन वार्डों में के नागरिकों में खुशी की लहर है। इसका सारा श्रेय माननीय विधायक श्री अरुण वोरा जी और माननीय महापौर जी की सतत निगरानी को जाता है, उनके निर्देशानुसार लगातार हम काम कर रहे हैं। आज शहर में 2-3 साल पहले 61 जगह पर अपना पॉइंट पर टैंकरों की व्यवस्था की जाती थी, आज हमने उसको सबको घटाकर 6 जगह पर टैंकर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपना दे रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमने कितनी जल व्यवस्था को सुधारा है। रही बात हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि टैंकर मुक्त शहर, टैंकर मुक्त शहर का तात्पर्य यह है कि उस वार्डों में टैंकर न जाए, पानी बराबर उनको लोगों को मिलता रहे। हम उस दिशा में प्रयासरत हैं, जो 6 जगह पॉइंट है टैंकर भेजने का, उन 6 जगहों में हम 6 जगह भी हम ख़त्म कर देंगे कुछ दिनों में। अब रही अमृत मिशन की बात, तो अमृत मिशन के काम 90% हो चुके हैं और अमृत मिशन के काम 90% होने के कारण आज पूरे शहर में हम पानी की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं, जिसका सारा श्रेय माननीय विधायक श्री अरुण वोरा और माननीय महापौर धीरज बाकलीवाल उनके निर्देशों उनको जाता है, उनके निर्देशों पे हमने ये लगातार काम किया और आज शहर की जनता को पानी पिला रहे हैं। कल ही हम माननीय विधायक जी के साथ, मैं माननीय विधायक जी, हम पूरे सुबह 6 बजे हमने वार्ड नंबर 17, 18, 1, 2, 3, 4 इन वार्डों का इन वार्डों का दौरा किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।